हेलो फ्रेंड्स, सफलता केयर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इसके अगली वीडियो में मैंने आपको व्यंजन व्यंजन के बारे में बताना शुरू किया था, तो आज से शुरुआत करते हैं दोस्तों व्यंजन की। व्यंजन वर्ड का एक प्रकार है, ठीक है। वर्ड के कितने प्रकार दोस्तों? दो। वर्ड के कितने प्रकार दोस्तों? दो, स्वर और व्यंजन। स्वर हमने आपको पढ़ा दिया था, स्वर हमने आपको पढ़ा दिया था। ऐसे वर्ड स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड जो बिना किसी वर्ड की सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर होते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, ये किसी ना किसी, ठीक है, ये किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, ये किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, तो क्या होगा? व्यंजन होगा। तो दोस्तों बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन व्यंजन कुल कितने प्रकार के? व्यंजन कुल कितने दोस्तों? 33। व्यंजन कुल कितने? कुल 33 व्यंजन। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन, ठीक है। तो बात करते हैं अब व्यंजन की। तो उससे पहले हम व्यंजन की परिभाषा बता दें फिर एक बार। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, व्यंजन उच्चारित होने के लिए हमेशा स्वर की सहायता लेते हैं, ठीक है। यानी इसको अगर कहा जाए तो ऐसे वर्ड जो उच्चारित होने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं तो क्या कहा जाता है? उन्हें व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं वर्ड की, व्यंजन वर्ड की, ठीक है। तो पहला है का वर्ग, का वर्ग, ठीक, ये पहला वर्ग है का वर्ग। क्या है? का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा और ये अंग। क्या है दोस्तों? अंग। अगर इसके आगे बिंदी ना लगी रहे तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा, इसीलिए इसके आगे क्या बिंदी लगाते हैं? अंग, ठीक। तो दोस्तों का, का, खा, गा, घा, अंग, मतलब ये का वर्ग। क्या है? कावर। यहीं से दोस्तों शुरू करते हैं एक चीज, इसको हम क्या कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, ठीक। ये क्या है दोस्तों? ये जो एक स्पाई के ऊपर ये रेखा है, इस रोखा रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सिरो रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? सिरो रेखा, ठीक। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? खड़ी पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई, ठीक। क्या कहते हैं दोस्तों? खड़ी पाई। क्या कहते हैं दोस्तों? खड़ी पाई, ठीक। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि अगर अगर हम इसके चारों तरफ एक एक बिंदी लगा देते हैं तो, ठीक है, हम प्रत्येक बिंदी को क्या क्या कहेंगे हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बिंदी आई अभी अंग, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पंचमाक्षर बिंदु। क्या कहेंगे दोस्तों? पंचमाक्षर बिंदु। क्या कहेंगे? पंचमाक्षर बिंदु। क्या कहेंगे दोस्तों? पंचमाक्षर बिंदु। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह का वर्ग के, क्योंकि यह का वर्ग के केवल अंतिम अक्षर पे ही लगेगी। पंचमाक्षर बिंदु कहां लगती है? का वर्ग के केवल अंतिम अक्षर पे लगती है, वर्ड पे लगती है, तो क्या कहेंगे इसे? पंचमाक्षर बिंदु। क्या कहेंगे इसे? पंचम। अगर किसी वर्ड के लास्ट में, अगर किसी वर्ड के अंत में, ठीक है, बिंदु लगी रहे तो हम उसको क्या कहेंगे? पंचमाक्षर बिंदु। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। किसी भी वर्ड के अंत में अगर बिंदु लग जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? पंचमाक्षर बिंदु। क्योंकि पूरी वर्णमाला में केवल अंग के बाद ही क्या लगा है? बिंदु लगा है और इसे हम पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर बिंदु, ठीक है दोस्तों। तो का वर्ग में पांच वर्ड का, खा, गा, घा, अंग, ठीक। दूसरा है, दूसरा वर्ग है च, छ, ज, झ, इया। तीसरा है
ट ठ ढ ढ ड़ा। चौथा वर्ग है दोस्तों ता वर्ग, त थ द ध न। और ये है पांचवा वर्ग पावर, प फ ब भ म। ठीक, क्या है पांच वर्ग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग। तो दोस्तों कौन सा वर्ग, कितने वर्ग हैं, पांच वर्ग। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग दोस्तों, पांच वर्ग। कितने वर्ग, पांच वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो कितने वर्ड दोस्तों, पांच वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ड, पांच पांच वर्ड। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ड दोस्तों, पांच पांच वर्ड। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ड भी है। ठीक है, अब देखिए ट ठ ड ढ ण। ठीक है, अ थ द ध न, पा फ ब भ म। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन चारों बिंदुओं की, क्या इन चारों बिंदुओं की। ठीक है, तो हमने आपसे कहा इसका नाम क्या हो गया, शिरोरेखा। इस पाई का क्या नाम हो गया, खड़ी पाई। और अगर किसी वर्ड के अंत में कोई बिंदु लगी है तो उसे हम क्या कहेंगे, पंचमाक्षर बिंदु। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर बिंदु। दोस्तों अब बात करते हैं इस ऊपर वाले बिंदु की, कि अगर ठीक है किसी वर्ड के ऊपर बिंदु लगा है तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, अनुस्वार। हमने कहा, हमने पहले भी आपको बताया है इसके पहले वाली क्लास में कि अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार कहां लगता है, हमेशा स्वरों पे लगता है। अनुस्वार कहां लगता है दोस्तों, हमेशा स्वरों पे लगता है। तो आप कहेंगे सर जी मान लीजिए अगर हंस में लग गया है तो हंस में कहां स्वर है, हंस में कहां स्वर है। तो दोस्तों एक बात बताइए, हा ऐसे लिखा जाएगा, केवल व्यंजन हा का ऐसे रहेगा, प्लस आ यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हंस और अंश। क्या हो जाएगा, हंस और अंश में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये बिंदी अनुस्वार कहां पे लगा, आ पे लगा। कहां लगा अनुस्वार, आ पे लगा दोस्तों। ठीक है, कहां लगा अनुस्वार, आ पे लगा। ठीक है, तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि अनुस्वार दोस्तों कहां लगता है, अनुस्वार कहां लगता है, केवल और केवल स्वर पे। अनुस्वार कहां लगता है दोस्तों, केवल और केवल स्वर पे। ठीक है, क्या है, अब बात करते हैं इसकी। ये क्या है, अगर किसी वर्ड के नीचे, अगर किसी वर्ड के नीचे बिंदु दी रहे तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तड़नजात, तड़नजात वर्ड, तड़नजात वर्ड। क्या होगा, तड़नजात वर्ड। ठीक है, तो वही हमने कहा कि अगर इसके और इसके इन दोनों के नीचे अगर बिंदी दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, या तड़नजात वर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तड़न जात वर्ड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, तड़न जात वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तड़न जात का मतलब क्या होता है, फेंका हुआ। तड़न जात का मतलब क्या होता है दोस्तों, फेंका हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में तड़न जात वर्डों की संख्या कितनी, तो दो, डा और ढा, अड़ा अढ़ा और अढ़ा, अढ़ा और अढ़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तड़न जात वर्डों की संख्या कितनी, दो। ठीक है, मतलब अगर किसी वर्ड के नीचे, अगर किसी वर्ड के नीचे ये लगा दिया जाए तो क्या होगा, डा और अढ़ा। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला में केवल ये दो ही पे लगता है, अढ़ा और अढ़ा। ठीक है, इन्हीं दोनों पे लगता है। लेकिन अगर हम सिंपली पढ़ते हैं तो टा ठा डा ढ अढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर इनके नीचे बिंदु लग गया तो इसके आगे हमको क्या, आ जोड़ना पड़ेगा। इसके आगे हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, आ जोड़ना पड़ेगा। तो अडा और अढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अडा और अढ़ा हो जाएगा, समझ गए। तो दोस्तों ये हो गया आपका तड़नजात चिन्ह। क्या हो गया, तड़नजात चिन्ह। क्या हो गया ये दोस्तों, तड़नजात चिन्ह है ये। क्या है, तड़नजात चिन्ह है ये। क्या है, तड़नजात चिन्ह। तो तड़नजात चिन्ह की बात हो गई। अब बात आती है ये क्या है, अब बात आती है कि अगर किसी वर्ड के पहले बिंदु है तो क्या है, अगर किसी वर्ड के पहले बिंदु दे दी गई तो क्या है। तो दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, नुक्ता।
क्या कहते हैं दोस्तों? नुक्ता। क्या कहते हैं? अगर किसी वर्ड के आगे बिंदु दे दी गई तो दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे? नुक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? नुक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? नुक्ता। ठीक है, अब दोस्तों नुक्ता किसपे किसपे लगता है? तो देखिए, नुक्ता वैसे भी दोस्तों अरबी और फारसी का वर्ड है। नुक्ता क्या है? नुक्ता चिन्ह अरबी और फारसी से लिया गया है। नुक्ता चिन्ह अरबी और फारसी से लिया गया, ठीक है। तो ये लगता कहां कहां है वर्डों में, किस किन वर्डों पे लगता है, किन किन वर्डों पे लगता है, यह भी जानना जरूरी है। तो यह लगेगा कुल पांच वर्डों पे, कुल पांच वर्डों पे, का, खा, गा, जा और फा। कितने वर्डों पे दोस्तों लगा? कुल पांच वर्डों पे। कितने वर्डों पे नुक्ता लगा दोस्तों? कुल पांच वर्डों पे। कितने वर्डों पे लगा दोस्तों? पांच वर्डों पे। तो नुक्ता चिन्ह कितने वर्डों पे लग रहा है? पांच। क, ख, ग, ज और फ। क, ख, ग, ज और फ। नुक्ता चिन्ह कुल पांच वर्डों पे दोस्तों। लेकिन लेकिन एनसीईआरटी ने इसे केवल तीन वर्डों पे लगाया है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसे केवल तीन वर्डों पे लगाया है। किसपे किसपे? ख, ज और फ। ख, ज और फा। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये पांच वर्डों पे कहां लग गया। तो एक राजा थे, ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनको 1993 में, ठीक है, हिंदी का महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है, महानिदेशक बनाया गया। उस समय इन्होंने कहा क, ख, ग, ज और फ के आगे अगर बिंदु लगा दी जाए तो वह क्या हो जाएगा? अरबी और फारसी का शब्द हो जाएगा, अरबी और फारसी का वर्ड हो जाएगा, सॉरी, अरबी और फारसी का वर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नुक्ता कुल कितने वर्डों पे लगता है, नुक्ता चिन्ह कुल कितने वर्डों पे लगता है, तो दोस्तों आप तीन और पांच, अगर ऑप्शन आपके पास दोनों है तो आप पांच लगा के आइएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के मकसद से अगर केवल और केवल उसमें पांच ना दिया रहे, तीन दिया है, तो दोस्तों आप क्या लगा के चले आइएगा? तीन लगा के चले आइए। क्या लगा के चले आइएगा? केवल और केवल तीन ही लगा के आ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया खड़ी सिरोरेखा। ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार, क्या है? अगर किसी वर्ड के ऊपर रेखा खींची गई तो वो क्या है? सिरोरेखा। इसको क्या कहते हैं? खड़ी पाई। अगर किसी वर्ड के ऊपर बिंदु दी गई है तो ये है अनुस्वार। अनुस्वार हमेशा किसके ऊपर लगता है दोस्तों? स्वर के ऊपर। हमेशा किसके ऊपर लगता है दोस्तों? स्वर के ऊपर। फिर अगर किसी वर्ड के बाद में बिंदु लगा दी गई तो ये क्या है? पंचमाक्षर बिंदु। क्या है? पंचमाक्षर बिंदु। क्या है दोस्तों? पंचमाक्षर बिंदु। ठीक, और लगता कहां है? केवल का वर्ड के अंतिम अक्षर, का वर्ड के अंतिम वर्ड, का वर्ड के अंतिम वर्ड। ठीक, अगला क्या है? अगर किसी वर्ड के नीचे बिंदु लगा दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? तड़न जात चिन्ह। क्या कहते हैं? तड़न जात चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तड़न जात चिन्ह। और जिस वर्ड के नीचे लगा है तड़न जात वर्ड, तो तड़न जात वर्ड की संख्या कितनी? दो। तड़न जात वर्ड की संख्या कितनी दोनों? दो। ठीक, तड़न जात वर्ड की संख्या कितनी दोस्तों? दो। तड़न जात वर्ड की संख्या दो। तो ये है तड़न जात वर्ड की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? दो हो गई। ठीक, अब बात आती है कि अगर किसी वर्ड के आगे, वर्ड के आगे अगर किसी बिंदु लगा दी जाए तो वो क्या है? तो दोस्तों ये नुक्ता चिन्ह है। क्या है? नुक्ता चिन्ह। तो नुक्ता चिन्ह कितने वर्डों के आगे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के तहत, ठीक है, क, ख, ग, ज और फ, इन पांच वर्डों पे, क, ख, ज और फ, इन पांच वर्डों पे नुक्ता चिन्ह लगता है। लेकिन एनसीईआरटी
ने केवल तीन वर्णों पे लगाया है, खाजा और फापे, खाजा और फापे। तो दोस्तों अब आप और देखिए, ठीक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन पांचों को अगर मिला दिया जाए, ठीक, मतलब का वर्ग के पांच वर्ण, चा वर्ग के पांच वर्ण, टा वर्ग के पांच वर्ण, ता वर्ग के पांच वर्ण और पा वर्ग के पांच वर्ण। ये वर्ग क्यों है? क्योंकि इसमें पांच वर्ण हैं। वर्ग क्यों है? क्योंकि इसमें पांच वर्ण हैं। ठीक है, ये बोलते समय हमारी जिह्वा किसी ना किसी, मुंह के किसी ना किसी पार्ट को टच करती है। इन सभी वर्णों को बोलते समय हमारी जिह्वा किसी ना किसी, मुंह के किसी ना किसी पार्ट को टच करती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इन पांचों वर्गों के वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन। इन पांचों वर्गों के वर्णों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन या फिर क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीय व्यंजन। तो एक बात बताइए कि स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 25। क्या है? कितनी है? 25 है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 25 है। कितनी है? स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? 25। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम इन लास्ट वाले, ये जो सबसे लास्ट हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये सभी वर्गों के पांचवें अक्षर को हम क्या कह सकते हैं? पंचमाक्षर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है य, र, ल, व। य, र, ल, व, इसको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं इसको हम? अंतस्थ वर्ण व्यंजन। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। इसको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और इसके बाद आता श, स, स, ह, स, 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 ह, इनको बोलने के लिए मुंह से गर्म हवा बाहर आती है। क्या? इनको जब हम बोलते हैं तो मुंह से गर्म हवा बाहर आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उष्मवर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? उष्मवर्ण। हम क्या कहते हैं इसको? उष्मवर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम? उष्मवर्ण कहते हैं। तो 25 ये और चार अंतस्थ वर्ण, चार अंतस्थ वर्ण और चार उष्मवर्ण। 25 स्पर्शी व्यंजन को आप ले लीजिए, स्पर्शी वर्ण को ले लीजिए या फिर वर्गीय वर्ण को ले लीजिए, और चार अंतस्थ वर्ण और चार उष्मवर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल? 33 व्यंजन। टोटल क्या हो जाएंगे दोस्तों? 33 व्यंजन। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर ने छात्राज्ञा नहीं कहा, तो वो संयुक्त अक्षर हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा दोस्तों आपको, वो संयुक्त अक्षर हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ये क्या है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो टोटल प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण, कितने अक्षर टोटल? 25। कितने टोटल? 25। हाँ, तो दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? कितने वर्ग हैं? तो पांच वर्ग। कितने वर्ग? पांच वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी वर्ण कितने हैं? स्पर्शी वर्ण या स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? आप क्या कहेंगे? 25। आप क्या कहेंगे? 25। या फिर पूछा जाए वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 25। ठीक, ताड़न जात वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों? दो है। ताड़न जात वर्ण की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों? दो है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ वर्ण कितने हैं, तो दोस्तों चार है। अगर आपसे पूछा जाए अंतस्थ वर्ण कितने हैं दोस्तों, तो क्या है? चार है। अगर आपसे पूछा जाए उष्म वर्ण कितने हैं दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे? चार है। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों पे नुक्ता चिन्ह लगता है,
अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों पे नुक्ता चिन्ह लगता है, तो दोस्तों आप कहेंगे पांच, आप कहेंगे पांच। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में पांच नहीं देके तीन दिया है तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, तीन, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया, केवल तीन ही पे लगाया है, ख, ज और फ पे। जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हिंदी के महानिदेशक हुए थे एक बार, उन्होंने क, ख, ग, झ और फ पे लगाया था, क, ख, ग, झ और फ पे लगाया था नुक्ता चिन्ह, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने आपसे कहा अगर किसी खड़ी पाई पे, अगर खड़ी पाई पे एक रेखा खींची जाती है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सिरो रेखा कहते हैं। अगर ऊपर कोई बिंदु दी गई है तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार हमेशा कहां लगेंगे, स्वरों पे लगेंगे, पूर्ण व्यंजन पे कभी नहीं लगेंगे। अगर नीचे दिया गया है तो तड़ंजा, अगर आगे दिया गया है तो नुक्ता, और अगर इसके पीछे दिया है तो पंचमाक्षर बिंदु। और पंचमाक्षर बिंदु केवल कहां पे लगता है, का वर्ग के पंचमाक्षर पर, का वर्ग के पंचमाक्षर पर लगता है, इसलिए उसे पंचमाक्षर बिंदु कहा जाता है। तो ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचमाक्षर बिंदु कहां लगता है तो क्या आप बताएंगे कि का वर्ग के पंचमाक्षर पर, यानी कि अंतिम वर्ड पर, यानी कि अंतिम वर्ड पर, ठीक है। तो का वर्ग क्या है, व्यंजन में कितने वर्ग, व्यंजन में टोटल कितने वर्ग, पांच वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ड, प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ड। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी दोस्तों, 33। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी, 33। अब कल हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्या है, कल हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कैसे कैसे व्यंजन बांटे गए हैं, अल्प प्राण, महाकार प्राण, ठीक है, ये सारी के सारे पढ़ेंगे, ठीक है, कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से हैं, उष्म में कौन कौन से हैं, सारी चीजें कल हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज और, अगर आपको नए नए वीडियो चाहिए तो आप अपने यूट्यूब के बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब अगली क्लास हमारी हिंदी की मंडे को होगी फ्रेंड्स, कल से बाल विकास पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।